वेलकम यू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अर्लियर हमारा जो सिलेबस था ना उसमें अकाउंट दो पार्ट में था ग्रुप वन में भी था एंड यू हैड अकाउंटिंग इन ग्रुप टू ऑलो तो काफी सारा चैप्टर्स डिवाइडेड था ग्रुप वन ग्रुप टू में अभी जो हमारा न्यू स्कीम आएगा विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम मे ट्वेंटी फोर

लेट मी जस्ट टेक यू टू द आईसीआई वेबसाइट यहां पे आप देख सकते हैं पूरा नया स्कीम दिया हुआ है राइट right? सबसे पहले आप देखिए इसमें वन टू मॉड्यूल है देन जैसे आपका फाउंडेशन में था तीन मॉड्यूल पूरा सिलेबस को तीन मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है मॉड्यूल वन में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताएगा वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स राइट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होता है जैसे हमारे कंट्री में काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वी हैव इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑल्सो सो आई लेक गिव यू ब्रीफ आइडिया रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी देन

बिकॉज़ अपने को क्या करना है पीएल बनाना है बैलेंस शीट भी बनाना है वॉट एवर वी आर प्रिपेयरिंग वी आर प्रिपेयरिंग इन अकॉर्डेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी ये नहीं बोलता कि मेरे को फॉलो करो किसी भी अकाउंटिंग बॉडी में अकाउंटिंग बॉडी का काम क्या करता है दे डेवलप इशू विदड्रॉ एनी स्टैंडर्ड राइट उनका काम लोगों पे थोपना नहीं है लेकिन रेस्पेक्टिव कंट्री का जो कंपनी लॉ है वो बोलता है कि आप जब अपना अकाउंट्स बनाएंगे यू विल ड्राफ्ट इट इन अकॉर्डेंस जैसे मैं अगर किसी कंट्री के पास में अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो वेल एंड गुड नहीं तो ग्लोबली आईएफआरएस, फॉलो होता है तो आईएफआरएस कभी भी ये नहीं बोलता कि हमको फॉलो करो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कभी नहीं बोलता कि जिसको भी अकाउंट्स बनाना है वो लोग अपना आईएफआरएस के बेसिस पे बनाएगा इट इज द रेस्पेक्टिव कंट्री का कंपनी लॉ लेजिस्लेटिव लॉज जो मैंडेटरी करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना राइट right? तो जब भी हम लोग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे वी टू ड्राफ्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना वाई अकाउंटिंग आपको मालूम है ना जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं

There will be concepts. There will be concepts. There will be assumptions. There are some ideas. रूल्स राइट इन्हीं को हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं जैसे वन ऑफ द एजाम्शन इज ओनर एंड बिजनेस विल बी रिगार्डेड एज सेपरेट एंटिटी इसलिए तो कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी माना जाता है कि ओनर और बिजनेस को अलग अलग एंटिटी मानो दो लोग एक नहीं है तो जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे ना अगर कोई मेरे को लेमैन पूछेगा बचपन में वो मैम पढ़ाती थी बुक कीपिंग ये होता है अकाउंटिंग ये होता है अकाउंटेंसी ये होता है मेरे लैंग्वेज में अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स एंड देयर आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट सिंपल मेरे लिए यही मतलब होता है बुक कीपिंग इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ अकाउंटिंग राइट सो इफ समवन टेल्स मी व्हाट इज अकाउंटिंग अकाउंटिंग इज सिंपली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन आप ड्यूरिंग द ईयर करते हैं एंड इवेंट्स क्लोजिंग स्टॉक नेट प्रॉफिट दीज आर रिजल्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंटिंग पीरियड ये भी एक एक्सम्पन है अकाउंटिंग पीरियड बारह महीने का होता है एंड देयर आफ्टर प्रिपेयरिंग नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट पीएल एंड बैलेंस शीट मतलब पीएल से आता है हमारा नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट से हमको मेरा फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में मालूम चलेगा सो वेन यू आर ड्राफ्टिंग दिस अकाउंटिंग जब आप ये अकाउंटिंग ड्राफ्ट कर रहे हैं ना सो यू हैव टू फॉलो लॉट ऑफ प्रिंसिपल देर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट आइडियाज थॉट बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ विच अकाउंटिंग का फाउंडेशन को बनाया गया है इन प्रिंसिपल्स के बिना अकाउंटिंग है ही नहीं अगर मान लो टाइम फ्रेम नहीं होता बारह महीने का तो आप क्या करते where, where, एक पीएल बनाने के लिए आपका टाइम फ्रेम चाहिए वो टाइम फ्रेम ही नहीं रहेगा तो आप कैसा अकाउंट्स बनाएंगे अगर मैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड प्री रिसीव ऑनर्ड अगर कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है तो क्या आउटस्टैंडिंग आज के दिन क्या प्रीपेड आज के दिन स्टूडेंट्स की फ्यूचर लॉस को आज दिखाएंगे मनी मेजरमेंट कि जो भी मॉनिटरी टर्म्स है मेजरेबल है उसी को रिकॉर्ड करेंगे सबसे मेन एसेट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमंस आज हमारे इंस्टीट्यूट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट एसेट क्या है टीचर्स अगर हम ही लोग नहीं रहेंगे तो तुम ये प्रोजेक्टर कंप्यूटर ये कैमरा ये सब का क्या काम एआई आया है बट एआई अभी बच्चों को पढ़ाने नहीं लगा है रोबोट्स आए हैं बट रोबोट्स अभी बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं जब ऐसा होगा तब बात करेंगे गॉट माय पॉइंट लेकिन वी आर द ह्यूमन एसेट्स आर द मेन एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट क्या हम लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है नहीं वॉट एवर रेम्यूनरेशन दे पे उनको खर्चा बोल के दिखाती है सैलरी हमारा ऑनेस्टी हमारा इंटीग्रिटी हमारा स्किल हमारा टैलेंट इन सब चीजों का बुक्स में कोई दरकार ही नहीं है बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता ये सब चीज तो जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वी डू अकाउंटिंग इन अ फ्रेमवर्क हम लोग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में करते हैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स हम लोग घिरे हुए हैं इनको फॉलो करके हमको अकाउंटिंग करना है अदरवाइज अकाउंटिंग का कोई डेफिनेशन ही नहीं हो सकता राइट? ना लोग अपना अपना प्रिंसिपल बनाने लगे कोई कुछ फॉलो करने लगा कोई कुछ फॉलो करने लगा कोई कुछ फॉलो करने लगा राइट पीपल स्टार्टेड फॉर्मिंग देयर ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें क्या हो गया प्रॉब्लम क्या होने लगा कोई बोलता है डेप्रिशिएशन हम इस तरीके से कैलकुलेट करेगा कोई बोलेगा हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमारी चीजें हमारा परफॉर्मेंस किसी और के साथ अगर हमको कंपेयर करना है तो वो अनकंपेरेबल बन जाएगा क्योंकि माय अकाउंट्स आर ड्राफ्टेड इन सम अदर प्रिंसिपल योर अकाउंट्स आर ड्राफ्टेड इन सम अदर प्रिंसिपल देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी सो चीजों को कंपेरेबल बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किया गया

इंटरनेशनल बॉडी के साथ हाथ मिलाया है फॉर आवर बिग कंपनीज दोज डूइंग दोजरेशन इन फॉरन कंट्रीज दो शेयर इन फॉरन स्टॉक एक्सचेंज वो लोग को कौन सा वाला फॉलो करना बिकॉज फॉरेन कंट्रीज में या तो उनका अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा है या आई चल रहा है मेजर कंट्रीज हैव जैसे यूएस के पास में अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया वालों के पास में अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है राइट right? लेकिन व्हाट अबाउट दोज कंपनीज इंडियन कंपनीज आर वर्किंग अब्रॉड सो इसीलिए हमारी जो बॉडी है उन्होंने हाथ मिलाया इंटरनेशनल बॉडी के साथ में एंड दे फॉर्मड कन्वर्स्ड फॉर्म ऑफ आई आप लोग सीए फाइनल में पढ़ेंगे अभी आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो नकाश वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सो अगर मैं बात करूं किसी भी ऑर्गेनाइज जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूं वॉट दे विल फॉलो कंपनी दे विल फॉलो नकाश वाला ए एस सोल प्रोपराइटर पार्टनरशिप दे विल फॉलो आईसीआई इनका भी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दीज आर बेसिकली सेम नॉट मच डिफरेंस राइट फॉरेन में अगर मैं यूएस की बात करूं दे फॉलो यूएस गैप अदर फॉरेन कंट्रीज की बात करूं दे फॉलो आई एफ आर एस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमारी कंट्री का कोई कंपनी अगर बाहर ऑपरेट हो रहा है सो देर इज अ डायलेमा सो नकास प्लस आई ए एस बी कन्वर्स्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दट इज इंडेस सो ये हमारा सी ए फाइनल में है दिस इज इंटर अगर आप यूएस का सीपीए कोर्स करेंगे तो आप इसके बारे में सीखेंगे हम लोग तो भैया अपना वाला ही सिखाएंगे ना हमारा सीए लोग जो जो काम कर सकता है इफ यू आर टेकिंग मेंबरशिप इन इंडिया प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबरशिप इन इंडिया यू कैनॉट गो एंड डू यूएस कंपनी का ऑडिट तो आपको यूएस का गैप सिखा के क्या फायदा है आप वहां पर किसी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं बट यू कैनॉट एक्ट एज अ प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी तो आप जहां जहां ऑडिट कर सकते हैं जिस जिस का जिस जिस कैटेगरी में वहां वहां का आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाया जाएगा पहले आपके सिलेबस में आई भी हुआ करता था बट जब से ये कन्वर्स फॉर्म ऑफ ए आया है ना आई भी अब आपको नहीं सिखाया जाएगा सबको अपना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है किसी के पास अपना नहीं है तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी बोर्ड का इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी जो बोर्ड है उन्होंने आई बनाया है पहले हम लोग हमारा परफॉर्मेंस को बगल में नेबर में शर्मा जी का लड़का के साथ कंपेयर करते थे इंडेस आने के बाद इंडेस इज नथिंग बट इट्स अ मिक्स्ड वर्जन ऑफ आईएफआरएस बोल सकते हो मतलब एक आईएफआरएस ही है ये हम लोगों ने ये फॉरेन बॉडी के साथ में हाथ मिलाया एंड ये लोग ये आईएफआरएस वाला लोग यूएस के पास भी गया था यूएस का लेकिन अपना ही एक एटीट्यूड है बोला ना वी डोंट वांट टू शेक हैंड्स बट वी आर आर कि की वॉट रूल्स वी फ्रेम वो आईएफआरएस से ज्यादा इधर उधर नहीं होगा अकाउंटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज आप किसी भी कंट्री में जब आप अकाउंटिंग करने जाएंगे ना एज अ पेरोल पर्सन नॉट एज एन ऑडिटर तो आपको वहां का रूल्स रेगुलेशन जानना पड़ेगा तो आपको यह मालूम चलना चाहिए ना मैं चला गया किसी यूरोपियन कंट्री में मैं पूछूंगा कि आप लोग का अपना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपके कंट्री का वो रूल्स रेगुलेशन मेरे पास लेके आई है वो बोलेगा नहीं है देन इन दैट केस यू मस्ट बी फॉलोइंग बोला हाउ डू यू नो नो सर आई अगर आप यूएस में जाएंगे किसी कंपनी का एज अ पेरोल मतलब जॉब के लिए तो आपको मालूम है वहां यूएस गैप फॉलो होता है तो तो अब मैं कहा काम कर रहा हूं किस लोकेशन में काम कर रहा हूं वो मेरे को डिपेंड करेगा मेरे को कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना है मैं किसी बानिया चारीं चारीं का अकाउंट्स बना रहा हूं मैं आईसीआई वाला एएस फॉलो करूंगा तो मैं किसी इंडियन कंपनी का अकाउंट्स बना रहा हूं मैं नकाश वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा हालांकि इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है मैं ऐसी इंडियन कंपनी रिलायंस हो गया जिसका फॉरेन में भी ऑपरेशन है मैं इंडे एस लगाऊंगा उनपे मैं किसी फॉरेन कंट्री का अकाउंट कर रहा हूं जिसका ऑपरेशन भी फॉरेन में है या तो उसका अपना कंट्री का लॉ या मैं आई एफ आर एस फॉलो करूंगा तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दिया है राइट right? नाउ हम लोग बनाते पीएल हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट में मैं टी फॉर्मेट में बना रहा हूं इधर आता है हमारा एक्सपेंस इधर आता है हमारा इनकम ये आएगी हमारी लाइबिलिटी ये आएगी हमारी बैलेंस शीट अभी जो चैप्टर का जो ग्रुपिंग किया है ना इतना अच्छे तरीके से किया है काफी सारा एसेट होता है यहां पे जैसे फिक्स्ड एसेट है इन्वेस्टमेंट है इन्वेंट्री स्टॉक है राइट right? और भी बहुत सारा एसेट होता है इधर में लोन है देन वी हैव लीजेस लीज लाइबिलिटी भी होता है हमारा एक जो धीरे धीरे पढ़ाएंगे आपको इधर में हमारा इनकम है यहां पे सारा एक्सपेंसेस है तो ग्रुपिंग बना दिया एसेट रिलेटेड सारा ए एस को एक मॉड्यूल में रखा है एक कैटेगरी में रखा है लाइबिलिटी रिलेटेड इनकम रिलेटेड एक्सपेंस रिलेटेड कुछ कुछ डिस्क्लोजर रिलेटेड होता है जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं राइट right? so let us just see this is your syllabus introduction to accounting standard these are theory chapters we will we will uh, take this up in due course accounting standard 1 cash flow statement segment reporting related party earning per share discontinuing operations interim financial reporting इन्वेंट्री एसेट इन्वेस्टमेंट लीज़, इंटेंजिबल इम्पेयरमेंट ये सब हमारा एसेट रिलेटेड है ये सब का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा चैप्टर फोर में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड होते हैं जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में लिखा है कि जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल पॉलिसी फॉलो करेंगे उनको आपको इकट्ठा एक, एक जगह लिखना है इसीलिए पीएल बैलेंस शीट के बाद एक नोट्स टू अकाउंट्स का सेक्शन होता है जिसमें सारा अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने अडॉप्ट किया वो सब लिखते हैं आप उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले हर कंट्री का कंपनी लॉ बताता है क्या क्या चीज बनाना मैंडेटरी है पीएल बैलेंस शीट पहले मैंडेटी था अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मैंडेटरी कर दिया गया किस सोर्स से पैसा आया और कहां आपने उसको खर्चा किया है चेंजेस इन इक्विटी भी बनाना है आपको और नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है पांच चीज आप मैंडेटरी हो गया अगर आपको अभी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेगा तब उसमें पांच चीज बोलेंगे इन समवन टेल्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स एंड Application of funds. अब ये जो नोट्स टू अकाउंट्स है ना इसमें काफी सारा रेशियो एनालिसिस भी करने बोला है राइट right? तो ये सब चीज अब मैंडेटरी कर दिया गया है सेगमेंट रिपोर्टिंग बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में ना काफी सारा डिपार्टमेंट्स uh, होता है इट कैन बी अ डिफरेंट लोकेशन राइट सो कहने का मतलब है हम लोग शेयर होल्डर को एक ही पीएल बैलेंस शीट भेजते हैं एसबीआई का चार हजार से भी ज्यादा ब्रांचेस है तो शेयर होल्डर को क्या चार हजार पीएल बैलेंस शीट जाएगा शेयर होल्डर को एक पीएल बैलेंस शीट जाएगा कंसोलिडेट करके भेजना पड़ता है सेगमेंट रिपोर्टिंग बोलता है अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट टेन परसेंट से ज्यादा आपका नेट प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट किया है या उसका एसेट टेन परसेंट से ज्यादा आपका टोटल एसेट से कुछ कुछ होगा छोटा 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 यूनिट होगा मेरा पांच हजार करोड़ का कैपिटल है काफी सारा यूनिट है मेरा उसमें एक यूनिट का दो सौ करोड़ है राइट right? तो बोला कि अगर टेन उसका क्राइटेरिया मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग 17 में राइट right? वो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करेंगे तो आप रिपोर्टेबल सेगमेंट बनेंगे तो उसको आपको सेपरेटली एक कॉलम बना के उसको डिस्क्लोज करना है तो अगेन ये प्रेजेंटेशन रिलेटेड हो गया इसमें ट्रीटमेंट का कोई गेम नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रेजेंटेशन रिलेटेड हो गया कैश इनफ्लो हो चुका है कैश आउटफ्लो हो चुका है हाउ यू नीड टू प्रेजेंट थिंग्स व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू डिस्क्लोज बहुत सोच समझ के बनाया गया इस बार करिकुलम को यहां पे ट्रीटमेंट का कोई गेम ही नहीं होने वाला ट्रीटमेंट हैज ऑलरेडी बीन डन यहां पे प्योरली जो गेम है पूरा प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिलेटेड है आपको ट्रीटमेंट करने का दरकार नहीं है आपको नहीं पूछेगा कि इस इस ये वाला मैंने खर्चा किया है मैंने पांच रुपए का कैलकुलेटर खरीदा है बताओ ये एसेट होगा कि एक्सपेंस होगा बोलो 500 का कैलकुलेटर खरीदा है, हमने है, एसेट होगा कि एक्सपेंस होगा उसका लाइफ तीन साल है हम लोगों को पढ़ाया गया है किसी भी चीज का अगर लाइफ अगर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर है उसको एसेट मानेंगे बट मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है सिंस द अमाउंट इज स्मॉल, छोटा है इसको एसेट मान के कोई फायदा नहीं है राइट ऑन ग्राउंड आजकल तो मालूम है कंपनीज एक्ट में राउंड ऑफ मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपका टर्न ओवर इतना रुपया है तो आपको इन थाउजेंड बनाना पड़ेगा अगर आपका टर्न ओवर इससे ज्यादा है तो आपको इन लैक्स बनाना पड़ेगा इस तरीके से मैंडेटरी कर दिया गया है तो 500 का कैलकुलेटर तो राउंड ऑफ में ही चला जाएगा दोस्त दिखा के क्या फायदा है तो ये जो सेक्शन है ना इस सेक्शन में राइट right? ये जो सेक्शन है ना इसमें कोई ट्रीटमेंट का बात नहीं होगा खाली प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का बात हो रहा है यहां चीजों में को कैसे प्रेजेंट करना है क्या क्या एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है प्रेजेंटेशन का रिलेटेड पार्टी क्या दोस्त यार से आप बिजनेस नहीं कर सकते कर सकते हो प्राइस में करिए। लेकिन क्या होता है कोई मेरा मान लो जवाई है जवाई मींस ब्रदर इन लॉ सिस्टर्स हस्बैंड उसके साथ मैंने एक सौदा किया यूजुअली मैं इस दाम पे करता हूं बट मैंने सोचा चलो मेरी बेटी के घर पे पैसा जाएगा जमाई जी को थोड़ा ज्यादा दे देते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया ना क्या प्राइस पे हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता रिलेटेड पार्टी आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट बन चुका है नेट प्रॉफिट आ चुका है खाली आपको फेस ऑफ द पीएल अर्निंग पर शेयर बताना पड़ेगा मैंने पांच लाख कमाया एक लाख शेयर है लाख लाख बाय पर शेयर होल्डर अर्निंग इट इज एफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर शेयर मोस्ट विल स्टार्ट विद एस ट्वेंटी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अगर आपका कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हुआ है तो उससे रिलेटेड भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है देन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क राइट हर तीन तीन महीने में आपको आपका बड़ा 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 मल्टीनेशनल कंपनीज को इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाना पड़ता है एवरी क्वार्टरली तो यहां पे जो ये जितना भी चैप्टर्स है ना वन टू सेवन दिस इज प्योरली प्रेजेंटेशन रिलेटेड ट्रीटमेंट का यहां कोई बात नहीं होगा एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड देन लाइबिलिटी बेस्ड राइट

बोरोइंगज इस वेरी इंपॉर्टेंट आपने लोन लिया किस पर्पज के लिए लिया अकॉर्डिंगली उसका इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होगा नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लिया है तो इंटरेस्ट सीधा पीएल में जाएगा लेकिन अगर आपने लोन लिया किसी एसेट को बनाने में तो उसका जो इंटरेस्ट एलिमेंट है वो कैपिटलाइज होगा लाइक इंस्टॉलेशन लीजेस आपने कोई चीज सामने वाले से भाड़े में लिया है कितना साल के लिए भाड़े में लिया पांच साल और उस एसेट का जिंदगी भी पांच साल तो मैंने किसी से भाड़े में लिया एंड द टर्म इज इक्वल टू द लाइफ ऑफ द एसेट तो सर इसको भाड़ा थोड़ी बोलेंगे तो आपका अपना ही हुआ ना क्योंकि पांच साल बाद पा जब आप उस एसेट को लौटाएंगे सामने वाले का कोई काम नहीं है उस एसेट का हाँ, एसेट का जिंदगी दस साल होता है आप तीन साल भाड़े पे लेते तो आप उसको भाड़ा बोलते हैं तो ये सब हम लोग लीजेस भी अलग अलग टाइप का लीज होता है एक होता है फाइनेंस लीज एक होता है ऑपरेटिंग लीज लीज फाइनेंस में आप अपना ही पूरा लीज को आप अपना एक एसेट मान के दिखाएंगे लीज बोल के नहीं दिखाएंगे राइट मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज इंटेंजिबल एसेट गुडविल पेटेंट कॉपीराइट्स इन सबका ट्रीटमेंट क्या होगा एंड इंपेयरमेंट ऑफ एसेट वेरी इंपॉर्टेंट कई ड्यू टू ऑप्सोलेट एसेट अनयूजेबल हो जाता है तो सडनली मेरे को एक एसेट को राइट ऑफ करना पड़ेगा या एक एसेट मेरे बुक्स में सौ रुपए पे है लेकिन उससे उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज ओनली एट्टी रुपीज मेरे को उतना कीमत ही नहीं मिलेगा इसको यूज करके तो मैं उसको इंपेयर करूंगा सडनली फॉल कर दूंगा उसका एसेट का वैल्यू को तो ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे ये पूरा एसेट रिलेटेड है ये वैसे लाइबिलिटी रिलेटेड है ये लीजेस में एक पोर्शन लाइबिलिटी का भी कवर्ड है है ये मेन एसेट रिलेटेड बट कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग इसका एक लाइबिलिटी भी क्रिएट करते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में देखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट पेंशन प्लान वगैरह होता है उन सब चीज का हम लोग देखेंगे कैलकुलेशंस वगैरह कैसे होता है हालांकि कैलकुलेशंस के लिए हम लोग को एक्चुअज के पास में जाना पड़ेगा राइट प्रोविजंस कंटिंजेंट लाइबिलिटी एसेट्स कंटिंजेंट लाइबिलिटी प्रोविजंस में डिफरेंस क्या हम लोग को समझना पड़ेगा मैं आपको इन शॉर्ट खाली एक बार बता देता हूं

Depends on future event, and this event is not within the control of the organization. मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है किस पे डिपेंड करेगा फ्यूचर इवेंट पे जैसे मान लो किसी ने मेरे पे लॉ सूट फाइल किया है कि आपके कारण मेरे को इतना नुकसान हो गया आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करके मेरा आदमी चलता बना ठीक है कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होगा हियरिंग होगा आज के दिन मतलब एट ईयर एंड एट ईयर एंड एट ईयर एंड मेरे हारने के चांसेस रिमोट है क्या है रिमोट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का दरकार नहीं है डिस्क्लोजर का भी दरकार नहीं है कुछ करने का दरकार नहीं है ठीक है अगर मान लो मतलब मैं इसको बोलता हूं लेस देन फाइव परसेंट राइट right? डिस्क्लोजर दे देंगे ठीक है मोर देन फिफ्टी परसेंट में एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड इसको बोलते हैं हम लोग प्रोविजन और फिर जब कंफर्म हो जाएगा देन दिस प्रोविजन विल बी कन्वर्टेड टू अ लाइबिलिटी 50% परसेंट से ज्यादा चांस है मतलब मैं केस हारने वाला हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज मोर देन विनिंग रिमोट चांसेस है कुछ करने का दरकार नहीं है राइट right? फाइव से फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी है अभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ लिजिंग कम है ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का कोई दरकार नहीं है डिस्क्लोजर हाँ देंगे मोर देन फिफ्टी परसेंट चांस है वी शुड ट्रीट बट ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि एस्टिमेट कैनॉट बी मेड तो ये फैक्ट शुड बी कि एस्टिमेट नहीं निकाल पा रहे हैं कितना देना पड़ेगा हारने से और जब एस्टिमेट निकाल पा रहे हैं सीधा प्रोविजन बनाएंगे पीएल टू प्रोविजन और डिस्क्लोजर तो देना ही है किसी ने लॉ सूट किया है ईयर एंड में स्टेटस देख लो रिमोट चांसेस वन परसेंट टू परसेंट माथा ही नहीं लगाओ फाइव टू फिफ्टी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा डिस्क्लोजर जरूर दे देंगे मोर देन फिफ्टी होते हैं एस्टिमेट बनाओ प्रोविजन बनाना पड़ेगा बट एस्टिमेट निकाल पा रहे हो कि नहीं नहीं सर एस्टिमेट तो नहीं निकाल पा रहे नहीं निकाल पा रहे हो मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली नो हो गया तुमको करना चाहिए था बट क्योंकि तुम एस्टिमेट नहीं निकाल पा रहे मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नो हो गया तो डिस्क्लोजर में तुमको यह बताना पड़ेगा कि तुम अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं निकाल पा रहे हो क्लियर? जस्ट जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बेसिक बात है वो मैं कर रहा हूं आपके साथ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन आइटम्स इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगर आप इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखेंगे तो आपको लगेगा ये हमारा हादसा ही नहीं है इस साल का लेकिन फिर भी हम इसको बुक्स में कंसिडर कर रहे हैं इट इज नॉट एन इवेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर बट स्टिल आई एम कंसिडरिंग इट होता क्या है ये हमारा ईयर एंड है अकाउंट्स अप्रूव बाय ऑडिटर मतलब साइन वाइन ऑडिट करके वो साइन करता है ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये 31 मार्च को एंड हुआ है और सपोज करो दस सितंबर तक क्योंकि तीन महीना तो लग जाता है भैया अकाउंट्स को फाइनलाइज करने में इतना आसान नहीं है फर्स्ट द मैनेजमेंट

ये सारा मैनेजमेंट टू मेक श्योर फिर जुलाई अगस्त में ऑडिटर आएगा ऑडिट करने के लिए वो चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने सारा चीज इन अकॉर्डेंस विद लॉ किया है कि नहीं तब जाके वो अपना ओपिनियन देता है अन ऑडिटर गिव्स फोर टाइप्स ऑफ ओपिनियन अनकालिफाइड एवरीथिंग इज ओके क्वालिफाइड एवरीथिंग इज ओके एक्सेप्ट फ्यू ट्रीटमेंट्स एडवर्स ओपिनियन नथिंग इज ओके एंड द लास्ट वन एक टाइप का गाली है ये डिसक्लेमर ऑफ ओपिनियन मैं चाह कर भी मैं चाह कर भी ये बता नहीं पा रहा हूं कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं द वर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं कि द मैनेजमेंट हैज ड्यूली कंप्लाइड वाइल्ड प्रिपेयरिंग पील एंड बैलेंस शीट विथ ऑल द एप्लीकेबल लॉज

तो ये जो ऑडिटिंग हो रहा है ना ये जो वक्त लग रहा है राइट right? इस दौरान मान लो कुछ हादसा घट जाता है अब प्रॉब्लम ये है अरे हां 31 मार्च को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमको मालूम था वॉट एवर इवेंट हैजकर्ड whatever event has occurred conditions existed on balance sheet date matlab 31st march 23 matlab march ko i was newing ऐसा कुछ हो सकता है सपोज मेरे को एक डेटर से एक लाख रुपया लेना था मेरे को डेटर से एक लाख रुपया लेना था और समवेयर आई गॉट दिस न्यूज की दिस डेटर इज गोइंग टू बी बैड इन फ्यूचर और वही हो गया वेन थर्टीएथ जून को बिफोर द काउंसर अप्रूव्ड बाय ऑडिटर Then in that case, it will be treated as adjusting event. And on 31st March last year, I will show bad debt. Is it fine? Conditions not existed. बैलेंस शीट डेट सपोज देर इज अ फायर क्या आपको मालूम था जून में आग लगने वाला है मालूम था क्या नहीं ना तो इन दैट केस तुम दो चीज चेक करेगा अगर गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट हो गया है मतलब आपका सर्वाइवल इज इन डाउट आप फ्यूचर में सर्वाइव करेंगे किन्हें नहीं मालूम यह आपका एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा ये आपका एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा इवन इफ कंडीशन डिज नॉट एग्जिस्टेड बट आपका फ्यूचर सर्वाइवल इज इन क्वेश्चन आप ये लॉस को 31 मार्च को ही दिखाएंगे अगर जीसी एप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट है नॉन एडजस्टिंग इवेंट प्रैक्टिकली हादसा हुआ है इस साल तो एडजस्ट भी इसी साल होना चाहिए नो चेक कंडीशन एग्जिस्टेड और नॉट एग्जिस्टेड इफ कंडीशन वॉज एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट अगर कंडीशन आपका बैलेंस शीट डेट जो गया उसमें एग्जिस्ट करता था ट्रीट इट एज एडजस्टिंग इवेंट कंडीशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है देन चेक क्या आप इससे आपका सरवाइवल डाउट पे आ रहा है हाँ सर्वाइवल मेरा डाउट पे आ रहा है मेरा ऑफ़ द फैक्ट्री हैज बीन बाय फायर तो क्या आप इस लॉस को रिपोर्ट नहीं करेंगे लास्ट ईयर हुआ भी है लेकिन पिछले साल ही दिखाना पड़ेगा पिछले साल कम से कम प्रोविजन बनाओ दिखाना पड़ेगा आपको क्योंकि आपको मालूम है कि ये ऑडिटर की आंखों में आ चुका है ये मैनेजमेंट की आंखों में आ चुका है तुम एक चीज सोचो मान लो एक हादसा हो गया और तुमने तुम 22 तेईस का अकाउंट अप्रूव करने आए हो और तुमको अप्रूव करते करते सितंबर आ गया तो तुमको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुम जब बाईस तेईस का वेरीफाई कर रहे थे तो डोंट यू केम अक्रॉस इवेंट्स विच हैपेंड इन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर बट दैट इज रिलेटेड टू सर्वाइवल आज ऑडिटर का काम क्या वेरिफिकेशन करना सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि इसी का रिपोर्ट के बेसिस पे शेयर होल्डर लोग बाकी होल्डर्स दे डिसीजन। तुम ऑडिट सड़क पे फुटपाथ पे बैठ के किया क्योंकि पूरा बिजनेस जल के राख हो गया था डोंट यू थिंक कि तुमको यह चीज बताना चाहिए शेयर होल्डर को तुम कब बताएगा अगला साल जब तुम ऑडिट करने आओगे तेईस चौबीस वाला हिसाब से तुमको नेक्स्ट ये तेईस चौबीस का ऑडिट कब होगा तेईस चौबीस का अकाउंट कब मिलेगा शेयर होल्डर को हा? अगला साल तब बताओगे अरे भैया तुम्हारा सर्वाइवल डाउट पे आ गया है हां अगर यहां पे हुआ होता हादसा इधर अकाउंट्स अप्रूव होने के बाद तब तुम अगले साल बताओगे या तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओगे स्टेक होल्डर्स का क्या ये हमको डिस्कस करना है आपसे कुछ तो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर में पूरा डिटेल हम लोग कवर करेंगे बट फॉर द टाइमिंग जस्ट आई एम गिविंग यू फिलर राइट इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मेरे मैंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है डॉलर में लोन लिया है लेकिन डॉलर में लोन लिया तो वो तो यहां चलेगा नहीं उसको रूपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ओके okay. जब एक साल दो साल बाद मैं जब चुकाऊंगा तो जितना रुपया मिला उतना चुकाऊंगा कि जितना डॉलर में लोन लिया था उतना चुकाऊंगा क्योंकि सामने वाला डॉलर दिया था वो डॉलर लेगा मेरे को मतलब नहीं है मैंने उस डॉलर से क्या किया तो उत, उस जब मैं उसको उतना डॉलर चुकाऊंगा तो उस समय तो डॉलर का रेट चेंज हो जाएगा तुम लोग पढ़ेगा फाइनल में सीए फाइनल में एसएफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर है आईआरपी इंटरेस्ट रेट पैरिटी ये जो फ्यूचर का जो डॉलर रेट होता है ना ये चेंज होता रहता है तो ये जो फ्यूचर में जो डॉलर रेट है तो चेंज हो जाएगा ना तो मेरे को ज्यादा रुपया देना पड़ेगा तो ये लॉस हो गया मेरे बुक्स में इस लॉस का क्या ट्रीटमेंट करना है राइट right? बड़ा ही सिंपल सा चीज है टुक loan from foreign bank dollar 1 lakh spot rate 59 पर डॉलर आज डेट है सपोज करो फर्स्ट में को आपने लोन लिया तो आप बैंक के पास जाएंगे एक लाख डॉलर देंगे और बैंक आपको 59 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके फिफ्टी नाइन लैख दे देगा एंड क्रेडिट आप किसको करेंगे फॉरेन लोन को सपोज करो दो महीना बाद आपको चुकाना है रीपेड डॉलर वन लैख बोलिए एक महीना बाद ही सपोज करिए आपने चुका दिया स्पॉट रेट हो गया साठ रुपया फॉरेन लोन डेबिट कितना से होगा आपके बुक्स में फिफ्टी नाइन लैख का था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही बोलता है ट्रांजैक्शन फॉरेन में करिए इंडिया में करिए आप आपका रिपोर्टिंग करेंसी में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे व्हाट इज माय रिपोर्टिंग करेंसी सर माय रिपोर्टिंग करेंसी इज रुपया मैं रुपया में रिकॉर्ड करेगा तो इस लोन को चुकाने में मैं कितना रुपया दे दिया साठ लाख तो एक लाख ज्यादा दे दिया ना इसी को बोलेंगे एक्सचेंज लॉस और ये पीएल में जाता है इसी का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन में आप सीखेंगे ये तो फॉरेन ट्रांजैक्शन है मान लीजिए आपने पूरा का पूरा बिजनेस यूएस में सेटअप कर दिया वो अपना पीएल बैलेंस शीट आपको डॉलर में बना के भेजेगा उस पीएल बैलेंस शीट को आप अपना पीएल बैलेंस शीट में कंबाइन करेंगे आज अगर एक्चुएटर को मैं दुबई में खोलता हूं या मैं यूएस में एक्चुएटर का एक ब्रांच खोलता हूं मैं यूके में खोलता हूं हाई पॉसिबिलिटी अगर मैं मेरा ब्रांच यूके में खोलूंगा सब बच्चे मेरे को फीस पाउंड में देंगे लेकिन इसका शेयर होल्डर तो इंडिया का है कलकत्ता का है तो वो लोग अपना जो पीएल बैलेंस शीट मेरे को भेजेगा मेरे को मेरा कलकत्ता वाला जो बिजनेस है उसमें इसको आईएनआर में ऐड करना है ना तो व्हेन आई कंसोलिडेट दैट फॉरेन ऑपरेशन इन इंडियन रूपी देर विल बी डिफरेंस उसका ट्रीटमेंट हम लोग सीखेंगे ट्रांजैक्शन डेट सेटलमेंट डेट ट्रांजैक्शन डेट रिपोर्टिंग डेट वैल्यू सेम नहीं है करेंसी का उसका चेंज का ट्रीटमेंट करना है अपने को ट्रांजैक्शन डेट में 59 सेटलमेंट डेट में 60 सेम नहीं है इसका ट्रीटमेंट वन लाख एक्सचेंज लॉस ये करना है हम लोगों को आपको स्टार्टिंग में मालूम होना चाहिए आप करने क्या वाले हैं अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आपको क्या करने का है कोई फायदा नहीं है पढ़ के कोई फायदा नहीं है मैं इस चैप्टर से क्या सीखने वाला हूं आई शुड नो फर्स्ट देन आई विल स्टडी द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है ये जस्ट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं हम लोग जो भी प्रॉफिट निकालते हैं पीएल से इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है, है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है प्रूडेंस फ्यूचर का लॉस को भी दिखाओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है प्रोविजन बनाओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है डेप्रिशिएशन दो टैक्स किस पे देते हैं प्रॉफिट पे कौन सा प्रॉफिट पे प्रॉफिट एस पर इनकम टैक्स लॉ प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स लॉ इनकम टैक्स लॉ बोलता है नो प्रूडेंस नो प्रोविजन depreciation to be calculated differently so don't you think accounting profit and this is known as taxable profit it will differ huh now I'll just explain you one concept. Just listen to me very carefully. I bought an asset for one lakh. I'm depreciating it over five years. बंदी नहीं हो रही है फॉर minute. कैन यू सी द स्क्रीन नाउ तो मैंने एक लाख का एसेट खरीदा है ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड आज नहीं तो कल एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो इनकम टैक्स बोलता है एक लाख का खरीदा ना पहला साल फिफ्टी के दिखाओ अगला साल फिफ्टी के दिखाओ इनकम टैक्स इज गिविंग मोर डेप्रिशिएशन इन अर्लियर इयर्स इवन इफ यू विल यूज द एसेट फॉर फाइव इयर्स बट इनकम टैक्स सेइंग सेइंग टेक द बेनिफिट इन फर्स्ट टू इयर्स इट सेल्फ सो डोंट यू थिंक आई एम जस्ट गिविंग यू वन स्टेटमेंट My taxable profit will be less as compared to accounting profit. Less, more, more, more. So if your taxable profit is left, sorry, is less. इनकम टैक्स ऑफ इयर वन इज ऑल्सो लेस इयर टू इज ऑल्सो लेस डोंट यू थिंक द गवर्नमेंट विल टेक इट फ्रॉम यू इन फ्यूचर है आज आप कम दे रहे हैं लेकिन आगे आप ज्यादा देंगे क्योंकि आगे आप जो अकाउंट्स में दिखाइएगा सरकार इसको मना कर देगी बोले ये तो आपको मैंने पहले ही दे दिया है बाय वे ऑफ इंक्रीज डेप्रीशिएशन इन फर्स्ट टू इयर्स इन अकाउंट्स यू विल शो अकाउंट ट्वेंटी थाउजेंड माइनस बट यहां तो नहीं होगा इट मींस आउट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी मोर एज कंपेयर टू अलियर ईयर्स तो इन फ्यूचर यू विल पे मोर टैक्स क्रिएट Deferred tax liability in year one and year two. Along with income tax, you are going to create deferred tax asset liability. Along with income tax, create deferred tax liability. So your total. Tax expense equals to income tax payable plus DTL, income tax payable plus DTL. Suddenly, if your tax burden increases, na shareholder will might get panic situation. in order to keep the tax base spread properly, if कम टैक्स देना पड़ रहा है फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा तो आज आप क्या बनाएंगे डेफर टैक्स लाइबिलिटी आज आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है फ्यूचर में कम तो आज आप क्या क्रिएट करेंगे डेफर टैक्स एसेट इफ Taxable profit is less than accounting profit. It means today less tax. Therefore, create deferred tax liability. If taxable profit is more than accounting profit, टुडे मोर टैक्स देर क्रिएट डेफर टैक्स एसेट और भी इसमें काफी सारा बातचीत है जो हम लोग जब रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तब करेंगे ये सब नया नया ए एस है बोल के मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइडलाइंस दे दे रहा हूँ ज इट ओके एवरी वन हलिये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किसी भी बिल्डिंग को बनाने में कितना साल लगता है जनरली बता रहा हूं तीन से चार साल तो इसके शेयर होल्डर को आप चार साल बाद प्रॉफिट कमा के देंगे बिल्डर्स लोग क्या करता है वॉट दे डू टॉकिंग अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रेक्ट वट डू बिल्डर्स डू बिल्डर्स क्या करते हैं जैसे जैसे वो लोग काम करते जाते दे टेक प्रपोस्टेड मनी फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्टी ट्वेंटी परसेंट काम हो गया ट्वेंटी परसेंट ऑफ द प्राइस दे दीजिए तो यू हैव रिसीव समथिंग ऑर दी अदर शो सम प्रॉफिट सो उसका जो रूल्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन डील करता है हाउ टू रिकॉर्ड प्रॉफिट अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट विच इज टेकिंग अ टाइम विच इज मोर देन ट्वेल्व मंथ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पोस्टपोन द रिकॉग्निशन ऑफ इनकम फॉर फोर इयर्स नो सो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंप्लीटेड टेक सम कैच and on the basis of cash received show some profit are you getting my point so ye rules aap log construction contract 7 mein padhenge revenue recognition accounting standard 9 मान लीजिए आपने किसी को loan दिया है Interest income कब दिखाइएगा जब वो टाइम पीरियड ओवर हो गया आपने बोला था हाफ इंटरेस्ट देने के लिए छह महीना हो गया इन, टाइम पीरियड हैज एक्सपायर्ड शो इंटरेस्ट इनकम आपने किसी कंपनी का शेयर में पैसा लगाया है डिविडेंड इनकम कब दिखाएंगे जब सामने वाला डिक्लेयर कर दिया है आजकल तो प्रपोज कर नहीं सकते आप डिविडेंड एनी मोर नया रूल है ये

या टाइम पीरियड एक्सपायर होगा वैसे वैसे मैं प्रोपोर्शनेट फीस अपने पीएल में दिखाऊंगा सेल ऑफ गुड्स में हम लोग रेवेन्यू कब दिखाते हैं तुम लोग के फाउंडेशन में एक चैप्टर था सेल और अप्रूवल बेसिस उसमें व्हेन वी यूज्ड टू शो सेल्स व्हेन बायर यूज्ड टू कंफर्म कि उसने गुड्स रिसीव कर लिया एक्सेप्टेड द गुड्स बेसिकली जब रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर को ट्रांसफर हो गया तब हम लोग को सेल दिखाना चाहिए तो जितना भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिलेटेड बातें हैं ना ये सब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन में करेंगे फॉर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन में तभी आप रेवेन्यू दिखाएंगे व्हेन कलेक्शन इज सर्टेन इफ कलेक्शन इज अनसर्टेन रेवेन्यू दिखा के फायदा क्या कलेक्ट ही नहीं होने वाला ना उधर में रेवेन्यू दिखाओगे फिर थोड़ा दिन बाद बैडडेप दिखाओगे फायदा क्या इसे रेवेन्यू दिखाई नहीं पोस्टपोन जब तक कलेक्शन सर्टेन नहीं बन जाता देन अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स है एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं परचेस्ड एसेट फॉर रुपीज फिफ्टी लैख लाइफ फाइव ईयर्स ग्रांट रिसीव ट्वेंटी लैख ठीक है ग्रांट रिसिफ्ट ट्वेंटी लैक्स जर्नल एंट्री क्या होगा फिक्स्ड एसेट डेबिट फिफ्टी लैख टू बैंक एकदम सिंपल है देन बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट विद ग्रांट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं ग्रांट्स के बारे में बात होगा यहां पे। तो आदमी किसी को चंदा दे दिया नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेल्व डील्स विद गवर्नमेंट ग्रांट्स लोकल ऑथोरिटी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इनको गवर्नमेंट माना जाएगा तो हमने क्या किया भैया पचास लाख लगे ना मेरी एसेट का बीस लाख तो सरकार दे दी तो हम क्या करेंगे ग्रांट टू फिक्स्ड एसेट ट्वेंटी लैख ट्वेंटी लैख इन तीनों की कंबाइंड एंट्री क्या होगी फिक्स्ड एसेट डेबिट टू बैंक कितना थर्टी लैक्स थर्टी लैक्स I have reduced the value of asset with the grant money received. It means what will be my depreciation? Six lakh. तो ये जो भी ट्रीटमेंट हमने किया है मैंने अपने मन से नहीं किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में लिखा है मैंने अपने मन से नहीं किया दोस्त मैं गलत बात नहीं बोलूंगा इज इट तो हमने ग्रांट से एसेट का वैल्यू को कम कर दिया और डेप्रिसिएशन फिर रिड्यूस्ड आ गया Basically, देखा जाए तो 20 लाख का मेरा इनकम है ये मोफत का मिल गया गवर्नमेंट से तो इंस्टेड ऑफ शोइंग 10 लाख डेप्रीशिएशन फॉर फाइव इयर्स नाउ आई विल बी शोइंग सिक्स लाख इनटू फाइव इयर्स सो अल्टीमेटली एवरी इयर माई डेप्रिशिएशन फोर लाख इज गेटिंग रिड्यूस्ड तो हर साल में चार लाख प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा हूं पांच साल में बीस लाख का प्रॉफिट हो गया कोई ऐसा बोल सकता है ना पूरा बीस लाख को स्टेट अवे इनकम में ले जाओ और पचास लाख को अलग से डिप्रिशिएट करो बकवास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये जहां तुम ये एसेट पलटाया तुम्हारा ग्रांट भी सरकार को रिफंड करना पड़ जाएगा टाइम टू टाइम सरकार को रिपोर्टिंग भेजना पड़ेगा सरकार के यहां से गवर्नमेंट ऑफिसर्स आएंगे यहां इंस्पेक्शन करने के लिए स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में काफी सारा uh, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दैट इज बिल्ड बाय द गवर्नमेंट ये बीस लाख जो सरकार दी एक तरीके से मेरा इनकम है बट दिस इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन तो मैंने वैल्यू ऑफ एसेट को कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा डेप्रीशियन कम कम पीएल में जाएगा इट मीन जो भी ग्रांट मिला मेरे को दैट इज इक्वली स्प्रेडिंग ओवर फाइव इयर्स बाय वे ऑफ रिड्यूस डेप्रीशिएशन अगर यह ग्रांट को मैं रिड्यूस नहीं करता तो हर साल डेप्रीशिएशन कितना जाता पीएल में दस लाख अभी कितना जा रहा है छह लाख राइट right? एमल hmm. दो कंपनी मिलके एक नया कंपनी बन रहा है देर आर टू कंपनी ए एंड बी दे हैव फॉर्म्ड एंड मेड वन न्यू कंपनी सो अकाउंटिंग एंट्रीज करना है ए एंड बी को शट डाउन करना है एंड नया कंपनी को क्रिएट करना है जो एसेट ए एंड बी का था वो अब नया कंपनी का बनेगा जो शेयर होल्डर ए के थे वो अब नया कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा जो कंपनी बी का था वो वी आर मर्जिंग टू कंपनी दैट्स अमल तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है देन दिस इज होल्डिंग कंपनी चैप्टर टेन जो है दिस इज प्योरली रिलेटेड टू होल्डिंग कंपनी अगर मैं किसी कंपनी का मोर देन फिफ्टी परसेंट शेयर होल्ड करता हूं तो मेरे को अपना पीएल बैलेंस शीट तो बनाना ही है साथ में जो मेरा कंपनी है सब्सिडरी कंपनी उसका पीएल बैलेंस शीट को भी मेरे अंदर कंसोलिडेट करके बनाना पड़ेगा मेरा अपना तो बनेगा ही प्लस आई हैव टू मेक वन कंसोलिडेटेड अलोंग विथ माई सब्सिडरी तो ये हम लोग यहां पर सीखेंगे इज इट फाइन सो काफी सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसके बारे में हम लोग एक के बाद एक बात करेंगे

जब कंपनी के पास में बहुत ज्यादा सरप्लस कैश हो जाता है कंपनी के पास में उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है शेयर होल्डर ने तुमको पैसा दिया तुमने उसको मार्केट में कम बिजनेस में इन्वेस्ट किया प्रॉफिट कमा के वापस से रि किया चलते जा रहा है तो दस रुपए का कैपिटल बन गया एक हजार रुपया अब और कोई यूज ही नहीं है तो बेटर यू डोंट कीप मनी विथ योर सेल्फ आइडियल यू गिव इट टू द शेयर होल्डर बैक सो दैट दे कैन फाइंड आउट सम न्यू अपॉर्चुनिटीज बिकॉज फॉर यू यू डोंट हैव एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी

अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी कई बार कंपनी बीमार हो जाती है तो लॉस में की को क्या करना चाहिए शट डाउन कर देना चाहिए नहीं किसी आदमी का कोई तबियत खराब हो गया घर में तो उसको मार दोगे क्या यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फ्रॉम मी गो फ्रॉम हियर गो टू हेवन नो ऐसा नहीं करते दोस्त कुछ इमोशंस है कि नहीं हम लोग क्या करते उसको ठीक करते डॉक्टर को दिखाते हैं। तो अगर कोई कंपनी बीमार है उसमें लॉस है उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें से सा सारा लॉसेस वगैरह हटाएंगे उसका एक स्कीम ड्राफ्ट करना पड़ता है वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल हेल्प यू इन ड्राफ्टिंग द स्कीम नीड टू गेट इट अप्रूव ऑथोरिटी एंड देन दैट स्कीम इज इंप्लीमेंटेड

उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट सो वो मैं आपको सिखाऊंगा एंड देन वी हैव अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस आई टोल्ड यू ना एसबीआई के चार हजार ब्रांचेस है लेकिन शेयर होल्डर को एक ही पीएल बैलेंस शीट जाएगा तो दैट कंसोलिडेशन प्रोसेस आई विल टीच यू हियर फॉरेन ब्रांच है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा आपके बुक्स में राइट सो दिस विल एंड योर सिलेबस हियर सो देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स लॉट ऑफ we need to do, we will do step by step, right? So this was the introduction class for the new syllabus of uh, Paper One, Advanced Accounting. Okay. So in the coming classes, we will take up any accounting standard and we will move ahead. Is it okay? Chale. Okay. Thank you so much for today's class.